warm welcome, ladies and gentlemen, to your favorite show, The Big Discussions, with your host, Himani. Barry Goldwater once said, a government big enough to give you everything you want is big enough to take everything you have. And today, let's see what government has given us. Bad roads, bad infrastructure, no water supply, power cuts. And today, to discuss all these issues, we have amongst us Bhatinda's Power Minister, Mr. Vikramjit Singh. Let's give him a big hand of applause, please. Ek comment. यार एक बात बताओ, अभी शो शुरू भी नहीं हुआ है, तुमसे कोई आसान बात नहीं होती? तुमने नाश्ते में मेरे को स्टील की अंग्रेजी खुराक देनी शुरू कर दी है और हिंदी बोलते हुए गोटों में गुच्छुए काट दिए तुम्हारे। I beg your pardon sir, this is a serious issue. ना सीरियस यहाँ तुम कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करने बैठे हो। सर कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो एड्रेस होने चाहिए। आप महंगाई को देख लीजिए। यार महंगाई की क्या प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है। भाई एमएलए तो नहीं बैठे ना वहाँ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं, भाई टैक्स लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, सारी चीजें देखते हैं, इधर से उधर करनी होती है। महंगाई तो जो बढ़ रही है, अब क्या कर ले हम उसमें? आप क्या सोचते हैं, आम आदमी बेचारा कहाँ से खाए? पेट्रोल के प्राइस देख लीजिए, 3 रुपए और बढ़ रहे हैं अब। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों लेते हो? क्या लोड है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने की, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां? I don't understand. What do you mean by बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है? आप बताइए ना, कोई सजेशन नहीं दीजिए? यार तुम एक काम करो, तुम ना पेट्रोल छोड़ो, तुम रसोई गैस के सिलेंडर रख लो गाड़ी में। रसोई गैस सर, कम से कम CNG तो बोलिए। CNG तुम्हारे पढ़े लिखे काम है, हमारे गाँव में CNG नहीं होती, हम रसोई गैस के सिलेंडर रख के चला लेते हैं। CNG वाली शक्लें देखी है, हमारे गांव में पुतले नचाने वाले आते हैं ना, वैसे सरसों के साग काटने वाली मशीन जैसा तो मुंह होता है उनका। और तुम ये सब छोड़ो, मैं कहता हूं समोसों की रेडी लगा लो अपनी लैंड क्रूजर में। I can't believe this सर, समोसे वो भी गाड़ियों में? अल्लाह नहीं जी, मंदी नहीं भाई, समोसे क्यों नहीं रख सकते भाई लैंड क्रूजर में? तुम ले आगे लैंड क्रूजर खड़ी करो अपना नेहरू प्लेस में, बोनट खोलो, इंजन पे रखो कढ़ाई, रेडिएटर के नीचे लगाओ चूल्हा। लो जी हंसते भाई, हंसन वाली कौन सी गल है? मैं कहता हूँ जी विंड शील्ड हटाओ सामने से, क्या बढ़िया गर्मा गर्म समोसे निकलेंगे। पीछे रखो मैदे और आलू की बोरी, तो उत्ते बैठाओ मुंडू आलू भर भर के देगा समोसे के अंदर। पीछे क्यों बिठा रहे हो, साइड में क्यों नहीं बिठा लेते? ना तुम्हारे वो चटनी बांधने वाले चाचा जी वो मेरे सर पे बैठेंगे। गॉश कांट बिलीव दिस। आप ऐसा करो, आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको समझ नहीं आता। सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, सब जानता हूं मैं तुम्हारे सोफिस्टिकेटेड। जो किस्तों का चक्कर शुरू हुआ है ना, किसी ने BMW ले लिया, किसी ने ऑडी ले लिया, सोफिस्टिकेटेड लोग। और घर में यही लोग ना साबन की घिसी हुई टिक्कियां जोड़ जोड़ के नई चाकी बना लेते हैं। साबन वो अपना शैम्पू की शीशे जो है ना, आई कांट बिलीव दिस। सच जिसे ताली बजाई सब करते हैं। और सुनो, शैम्पू की शीशे तब तक नहीं फेंकते तब आवाज ना आए ब्लूम ब्लूम ब्लूम। आप देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि उस आम जनता के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर सकती है ना। गवर्नमेंट अपनी हड्डियों का तेल निकाल के डाले तुम्हारी गाड़ी में। हड्डियों का तेल? कम से कम प्राइम मिनिस्टर हो सकता है सऊदी अरब के किंग से बात करे, और हो सकता है कि पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाए। यार एक तो ये सऊदी अरेबिया का नहीं समझ में आता है जी, आप लोग तो देखे होंगे सऊदी अरेबिया के लोग, मतलब सारी दुनिया के मैं राजे देखे हैं, कोई ताज पहन के आता है, कोई मुकुट पहन के आता है। यार ये रोटियों वाले रुमाल रख के आ जाते हैं सर पे। How can you even say this? रोटियों के रुमाल? आपको पता नहीं वो कितने बड़े आदमी हैं? अब वो बड़े हैं तो हम छोटे हैं, लिलीपुट की दुकान से लेते हैं हम अपने कपड़े, हम भी वो बड़े आदमी हैं। Just impossible. देखिए मैं उनकी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, कितनी पावरफुल है, कितनी कैपेसिटी है उनकी। ना उनकी गवर्नमेंट 35 किलो दूध देती है। दूध? सर गाय भैंस दूध देती है, गवर्नमेंट नहीं। तो वही भैंस बांध ले अपनी BMW के आगे। BMW के आगे आप क्यों नहीं बांध लेते खच्चर अपनी i10 के आगे? यार कुड़ी ने गलत है बड़ी कम दी कीती है। मैं काम करता हूँ भाई, पेट्रोल के पैसे नहीं होने वाले कम, मैं सबको चाइना मेड खच्चर प्रोवाइड करने लगा हूं। आई कांट बिलीव। और कुड़िया तेरे लिए स्पेशल रिप्लेसमेंट वारंटी। रिप्लेसमेंट वारंटी और क्या, खराब हो गई तो खच्चर वापस नहीं, खच्चर तेरे को पुरानी खच्चर का क्या करोगे? उसको चाइना वापस भेज देंगे, वो खोल के उसके 4 बंदर बना के भेज देंगे। आई कांट बिलीव। मेरे पास एक और आइडिया है,
मैं तो कहता हूँ ये सिस्टम बॉलीवुड में चालू कर दो। अपना जो पपी लहरी है ना उसको खुलवा के कम से कम 6 सुनहरी सोनू निगम बनेंगे तो 1 सुनीति चौहान निकल आएगी। बेटर होगा आप बॉलीवुड में ना घुसे तो। ओए हम नेता हूँ कहीं भी घुस जाते तो अपने घर का दरवाजा खोल के देख। आपसे कुछ नहीं हो सकता एंड आई एम टेलिंग यू इन सब से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक शेर सुनाइए और रफादफ हो जाइए। लो जी शेर सुनेगी मेरे से। तो जी शेर अर्ज किया है। एक मिनट ओए हम तो बड़े लोग हैं हम अर्ज क्यों करें मुकम करेंगे। कोई शेर हुकम किया है। इरशाद इरशाद। हाँ क्या बोलिया। क्यों पहा पहा करती है तो पहे पे क्यों मरती है। मैं पहे दिला दूं टेरी तो जो तू हो जाए मेरी। बोलो बाबा ये कोई शेर नहीं। Do you guys really think this is a शेर? गाना है ये गाना। गाना और चल कोई नहीं शेर सुना देने हैं। ले कुड़िया तेरे लिए और तू इरशाद बोल लेंगी। चल इरशाद बोल। इरशाद सो रहा है। चगालांगे और तेरी मुस्कुराहट पे मरते हैं कई। वाह तेरी मुस्कुराहट पे मरते हैं कई। तेरी मुस्कुराहट पे मरते हैं कई। कह राजा चूहा मारना है। I hate this. Yeah, 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 yeah. Extremely sorry.